प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। साधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना। हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर, हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है सर। दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हमारी, दिल्ली तक नहीं आ रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। नंगा करके नहला रहा, कैमरा बंद कर, काट डालूंगा। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। एक्सक्यूज मी सर, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लोग देख रहे हैं। लोगों को उनके सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। पूरा का पूरा खो डाला है।